السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا سورة نوح کی تفسیر جاری ہے. اس سے قبل جو آیات گزری ہیں ان میں سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے. یہ بتایا گیا تھا کہ ان کی دعوت
तीन इंतहाई अहम और जामे नुकात पर कायम थी। अन अब्दुल्ला सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वत्तकू हो और उसी से डरो, वातीउन और मेरी इताअत करो। यानी ये तीन अनासिर हैं आपकी दावत के, जिनमें से दो का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ है कि इबादत सिर्फ उसी की होगी और किसी की नहीं, और खौफ और खशियत और तकवा भी अल्लाह ताला ही का होगा और किसी का नहीं। तीसरा नुक्ता मेरे मुतालिक है, यानी मेरी इताअत करो, तो वो भी दरहकीकत अल्लाह ताला ही के मुतालिक है, क्योंकि रसूल अल्लाह ताला की इताअत की बात करता है, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, अल्लाह ताला के लिए दीन खालिस है, मन युतीउ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करेगा उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो ये बड़ी एक नफीस दावत कौम के सामने रखी, और उसका एक नतीजा भी वाज़े कर दिया, अगर ये तीन काम कर लो तो यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और यही वो वाहिद मतलूब है, दुनिया में हर किस्म की नाकामी से बचने के लिए और क़्यामत के दिन जन्नत को पा लेने के लिए, क्योंकि गुनाहों की बख्शिश के बग़ैर जन्नत का दाखिला मुमकिन नहीं है। तो बहुत ही वाज़े पैगाम था, बहुत ही नफीस दावत थी, मगर कौम का रवैया क्या निकला वो खुद नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से सुनिए। नूह अलैहिस्सलाम शिकवा कर रहे हैं, और ये शिकवा लोगों से नहीं, अल्लाह ताला से, इल्लाहिल मुश्तका, अल्लाह ताला से शिकवा करना चाहिए। और जो भी लोगों का रवैया है, उस रवैये की बात अल्लाह ताला से करनी चाहिए, और वो सब कुछ जानता है। नूह अलैहिस्सलाम ने शिकवा किया, इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि मेरे बंदे मेरे सामने तज़र्रो करें, गिड़गिड़ाएँ, और जो भी उन्हें तकलीफ़ें पहुँचती हैं उनका इजहार करें मेरे सामने, और मुझसे मदद तलब करें और मुझसे इस्तेआनत करें। तो नूह अलैहिस्सलाम कौल कहा उसने, यानी नूह अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी दावतु कौमी लैलन व नहारा, बेशक मैंने दावत दी कौमी अपनी कौम को, लैलन व नहारा रात और दिन, इन्हें बग़ैर तवक्कुफ़ के, बग़ैर इनकता के, रातों को भी दावत दी और दिनों को भी दावत दी। तो अल्लाह ताला के सामने ये बात रखी, अल्लाह ताला खूब जानता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि बंदे उसके सामने रोएं, तज़र्रो का और इज्ज़त का इजहार करें। जो कौम को दावत दी उनका रवैया क्या था, फ़लम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरार, तो नहीं ज़्यादा किया उन्हें दुआई मेरी दावत ने, मेरे बुलाने ने, इल्ला फ़िरारा मगर फ़िरार, यानी जिस कदर ज़्यादा मैं उनको बुलाता रहा, दावत देता रहा, पुकारता रहा, उसी कदर ज़्यादा उन्होंने फ़िरार इख्तियार किया। फ़िरार यानी ईमान से कुफर की तरफ, तौहीद से शिर्क की तरफ, इताअत से नाफरमानी की तरफ, ये उनका फ़िरार था। यानी फ़िरार का माना ये नहीं कि वो दौड़ जाते थे, बल्कि कबूल नहीं करते थे, और जो उनको बात पेश करता, दावत देता, उसे वो ठुकरा देते थे।
فلم يزدهم دعائي الا فرارا, بس نہیں زیادہ کیا انہیں دعائی میرے بلانے نے, میری دعوت نے, الا فرارا مگر فرار. جس قدر دعوت دی اسی قدر انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا اور ایمان کو چھوڑ کر کفر اور توحید کو ٹھکرا کر شرک اور میری اطاعت کو ٹھکرا کر نافرمانی کا راستہ چن لیا اور اس میں بڑھتے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. اور بے شک میں نے كُلَّمَا, جب بھی, دَعُوتُهُمْ, بلایا انہیں, دعوت دی انہیں. کیوں دعوت دی؟ لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو بخش دے ان کو, تاکہ میری فرما برداری میں آ جائیں اور اس فرما برداری کے نتیجے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. یہ ایک عظیم مقصد تھا. اپنی دعوت کا مقصود کوئی میرا ذاتی فائدہ نہیں تھا, بلکہ انہی کا فائدہ تھا کہ تو ان کو بخش دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور یقیناً ایک بندہ جب کفر کو چھوڑتا ہے اور ایمان کی طرف آتا ہے, اسلام کی طرف آتا ہے, تو اس کا پہلا ثمرہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے سابقہ تمام گناہ بخشے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اور ایک حدیث میں الاسلام یجب ما کان قبلہ, کہ اسلام قبول کر لینے سے جو سابقہ گناہ ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں, ڈہ جاتے ہیں اور بخشے جاتے ہیں. اور یہی بات نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے جب بھی ان کو بلایا ایمان کی طرف, حق کی طرف, اسلام کی طرف, اور اس کا فائدہ کیا تھا؟ لتغفر لہم, تاکہ بخش دے تو انہیں, یعنی جب وہ کفر کو چھوڑ کے اسلام کی طرف آئیں گے تو اس کا ثمرہ اور نتیجہ جو اولین ان کو حاصل ہوگا وہ گناہوں کی بخشش کی صورت میں حاصل ہوگا. تو ان کا اپنا فائدہ تھا, میرا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا, مگر انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم, انہوں نے کر لیا اپنی انگلیوں کو یا ڈال لیا اپنی انگلیوں کو, فی آذانهم, اپنے کانوں میں. اصابع اصبع ان کی جمع انگلی, اور آذان اذن کی جمع کان. تو میں نے ان کو دعوت دی تاکہ وہ دعوت قبول کر کے گناہوں کی بخشش پا لیں, مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں گھسیڑ لیں. واستغشوا ثيابهم, اور انہوں نے ڈھانپ لیے اپنے کپڑے. ثياب, ثوب کی جمع کپڑا. کیا ڈھانپ لیا؟ اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کو. چہروں کو کیوں ڈھانپا؟ تاکہ وہ نوح علیہ السلام کو دیکھ نہ سکیں, نوح علیہ السلام انہیں نہ دیکھ سکیں. اور سر کو کیوں ڈھانپا؟ سر کے ساتھ کان ہے, یعنی کان بند کر لیے تاکہ نوح علیہ السلام کی دعوت کی آواز ان تک پہنچے ہی نہ. تو واستغشوا ثيابهم, انہوں نے اپنے کپڑے ڈھانپ لیے اپنے چہروں پر, تاکہ نہ وہ دیکھ سکے نہ وہ دیکھ سکے, اور اپنے سروں پر تاکہ ان کے کان بند ہو جائیں اور نوح علیہ السلام کی دعوت کی آواز ان تک پہنچے ہی نہ. وَأَصَرُّوا, اور اصرار کیا انہوں نے اپنے کفر پر, اپنی نافرمانی پر, اپنے شرک پر. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور تکبر کیا انہوں نے, استکباراً تکبر کرنا. استکبارہ مصدر ہے اور مصدریت کی بنا پر منصوب ہے, اور اس لیے عامل پیچھے استکبر و فعل, اور مصدر کو لانا ان کے تکبر کی تاکید ظاہر کرنا مقصود ہے. بس تکبر استکبارہ, انہوں نے
तकबर किया, खाली तकबर नहीं बल्कि तकबर किया खूब तकबर करना। यानी नबी की दावत का जवाब उन्होंने तकबर की सूरत में दिया, और यह मामला बहुत ही खतरनाक है। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, लन यदखुल जन्नत मन कान फी कल्बिही मिथ्क़ाल हब्बत खर्दल मिन अल किब्र, जिस शख्स के दिल में एक राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो सहाबा ने अर्ज किया, अल मर्उ युहिब्बु अन यकून थौबुहु हसन व नअलुहु हसनतन, कि या रसूल अल्लाह सल्लम, हर शख्स की चाहत और ख्वाहिश होती है कि उसके कपड़े अच्छे हों, जूते अच्छे हों, तो अच्छा लिबास अगर ज़ेबे तन करेगा तो बड़ाई का एहसास तो पैदा होता ही है। और आप फरमा रहे हैं कि ये कैफियत अगर एक राई के दाने के बराबर भी होगी तो जन्नत का दाखिला नहीं मिलेगा, तो बड़ी परेशान कुन बात। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तकब्बुर का माना नहीं समझे, ये जमाल है, अच्छा पहनना, अच्छे जूते, ये खूबसूरती है। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद करता है। तो जो बात तुम कर रहे हो वो तकब्बुर नहीं, वो खूबसूरती है जो अल्लाह को पसंद है। तो फिर तकब्बुर क्या है? फरमाया कि तकब्बुर दो चीज़ों का नाम है, अल-किब्रु बतरुल हक व गमतुन नास, हक को ठुकरा देना, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने वस्तकबर उस्तिकबारा, बड़ा तकब्बुर किया, तकब्बुर का मुजाहरा किया बहुत ज़्यादा। तो ये तकब्बुर क्या था? हक को ठुकराने का अमल था, कबूल ना करने का अमल था। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि एक बंदे के सामने हक पेश किया जाए और उसको कबूल ना करे, ये किबर है, ये तकब्बुर है। उसके सामने हक वादे हो चुके हैं। हक वादे कैसे होते हैं? किसी को आप कुरान खोल कर दिखाएं, हदीस की सबसे सही किताब सही बुखारी खोल के दिखाएं कि ये अल्लाह का फरमान है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो इससे ज्यादा हक क्या होगा? किताब अल्लाह, अल्लाह का फरमान, कलामुर रहमान, अगर वो हक नहीं है तो हक क्या है फिर? और सही बुखारी, जिसकी सेहत पर दुनिया के सारे मजाहिब मुत्तफिक हैं, असहुल कुतुब बाद किताब अल्लाह का दर्जा इसे हासिल कि किताब अल्लाह के बाद इस नीली छत के नीचे सबसे सही किताब बुखारी। तो और हक क्या होगा? भाई बुखारी शरीफ है, इसमें हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम का अमल है, आपका फरमान है, तो हक तो वादे हो चुका, हुज्जत कायम हो चुकी। और जो बंदा उसको कबूल नहीं करता उसने बदतरीन तकब्बुर का मुजाहरा किया। और ये कैफियत अगर किसी के दिल में एक राई के दाने के बराबर होगी वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो आपने फरमाया कि जो तुमने बात की वो खूबसूरती की बात की, वो अल्लाह को पसंद है। किबर दो चीज़ों का नाम है, बतरुल हक, हक वाजे और उसको ठुकरा देना, बगम तुम नास और लोगों को दुधकारना, ठुकराना, उन्हें हकीर जानना। तो ये दो सूरतें हैं किबर की। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ये बदतरीन किब्र का मुजाहरा किया, वस्तकबर उस्तिकबारा, और उन्होंने तकब्बुर किया, बड़ा तकब्बुर करना, खौफनाक तकब्बुर, हक वाजे हो और उसको ठुकरा देना, ये सबसे खौफनाक तकब्बुर है। और ये ठुकराने की कैफियत अगर एक राई के दाने के बराबर भी होगी किसी इंसान के दिल में तो उसको जन्नत का दाखिला नहीं मिलेगा। आज उन लोगों को
बहुत ज्यादा सोचो विचार करने की जरूरत है, जिनके दिलों में हक ठुकराने का प्रोग्राम मौजूद होता है, या उनके दिल में बाप दादा की पैरवी की बात होती है, या उनके दिल में अपने कौम कबीले की पैरवी की बात होती है, बरादरी की बात होती है, या उनके दिल में अपने किसी खुद साख्ता पीर की बात होती है, किसी इमाम की बात होती है, तो गोया इन सारी बातों की बुनियाद पर हक को ठुकराने का प्रोग्राम उनके दिल में मौजूद होता है। और ये कैफियत अगर एक राई के दाने के बराबर हो तो ऐसे इंसान को जन्नत का दाखिला हासिल नहीं होगा। बल्कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लन यजिदर राइहता, कि दाखिला तो दूर की बात है, वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। व इन राइहता लतूजदु मिन मसीरत सबईन आमन, हालांकि जन्नत की खुशबू 70 साल की दूरी से महसूस होगी, इसे महसूस नहीं होगी जो उसके दिल में एक किबर की कैफियत है। वलियाज बिल्ला ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا। نوح علیہ السلام کا بیان جاری ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے شکوے کا اظہار جاری ہے، پھر انی بے شک میں نے دعوتهم دعوت دی انہیں جہارا بلند آواز سے، جہر کے ساتھ، ثم انی اعلنت لهم، پھر بے شک میں نے اعلانیہ دعوت دی انہیں، اعلنت اعلانیہ دعوت دینا، واسررت لهم اسرارا، اور رازداری کے ساتھ دعوت دی، واسررت لهم اسرارا، اور رازداری کی ان کے لیے اسرار رازداری کرنا، خفیہ اور سری دعوت دی۔ تو نوح علیہ السلام نے یہاں دعوت کے 3 اسلوب بیان کیے، ایک دعوت بالجہر، اور ایک دعوت بالاعلان، اور ایک دعوت بالاصرار۔ دعوت بالجہر وہ ہوتی ہے جو آپ دعوت دیں اور دوسرا شخص سن لے، وہ ایک شخص سنے، 2 شخص سنے، 10 شخص سنے، اسی سے آمین بالجہر حدیث میں بلند آواز سے آمین کہنا، اتنا جہر ہونا چاہیے آمین کہتے ہوئے کہ آپ کا برابر والا کم از کم سن لے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساجد گونج اٹھتی تھی۔ تو آمین بالجہر، جس کی بڑی فضیلت احادیث میں موجود ہے، اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، يا اذا امن القارئ فامنوا فان الملائكه يؤمنون، فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام امين کہے تو تم بھی امين کہو، عین اس وقت فرشتے بھی امين کہتے ہیں، اور جس کی امين فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہاں جہر کا معنی رضانہ مقصود، کہ آمین اتنی آواز سے تو کہا جائے کہ برابر والا سن لے، یا پیچھے والا شخص سن لے، یا آگے والا شخص سن لے۔ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا ایک اسلوب جہارن دعوت، بلند آواز سے، اور پھر دوسرا اسلوب اعلانیہ دعوت۔ یہ اعلان میں جو آواز کی بلندی ہوتی ہے یہ جہر سے زیادہ ہوتی ہے، اعلنتو اسحتو، چیخا، چیخ کر دعوت دینا، اور یہ چیخ کر دعوت دینا یہ ایک داعی کے اخلاص کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ بلند آواز سے بولنا، نبی علیہ السلام بعض وقت خطبہ دیا کرتے تو آپ کی آواز بازار میں سنی جاتی، انتفقت اوداج ہو، رگیں پھول جاتی، علا صوت ہو، آواز اونچی ہو جاتی،
احمر وجه، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. یہ اعلانیہ دعوت آپ کی، بلند آواز سے چیخ کر دعوت دینا. دل میں اگر اخلاص ہو تو یہ اسلوب ایک داعی کے ایک مکمل اخلاص کا مظہر ہوتا ہے. کچھ لوگ آج چیخ چیخ کر بولتے ضرور ہیں، مگر ان کے اندر اپنی خطابت کے جوہر دکھانا، یہ نیت چھپی ہوتی ہے، اخلاص نہیں ہوتی. مکفا مسجع باتیں اور ایک مخصوص انداز چیخنے چلانے کا، اس میں ریاکاری کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے والعیاذ باللہ. لیکن اگر دل میں درد ہو، وہ درد جو اللہ کے پیارے پیغمبر کے دل میں تھا، انی لآخذ بحجتکم عند النار وانتم تقحمون فیہا، کہ جب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں تو اس وقت میری یہ چاہت اور خواہش ہوتی ہے کہ ابھی سے تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ کر جہنم سے کھینچ لوں اور نکال لوں. یہ درد تھا آپ کے دل میں، اور یہ درد نوح علیہ السلام کے دل میں. ثم انی اعلنت لہم، کہ میں نے ان کو اعلانیہ دعوت دی چیخ چیخ کر، قضیے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے. اسے آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس کا بیٹا کھیل رہا ہے، باپ وہاں سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا احتیاط سے گر نہ جانا، سنبھل کے، اور یہ کہہ کے چلا جاتا ہے. تو اس نے بلند آواز سے ایک بات کی اپنے بچے سے، نصیحت دی اسے. ایک شکل اور ہے، بیٹا کھیل رہا ہے اور جہاں کھیل رہا ہے وہاں قریب ہی بجلی کی ننگی تار گری ہوئی. اب سوچیں باپ کا انداز کیا ہوگا، کہ وہ نرمی سے بات کرے گا؟ نہیں، بڑا چیخ کر اپنے بیٹے کو متنبہ کرے گا کہ وہ بجلی کی تار ننگی پڑی ہوئی ہے، کرنٹ لگ جائے گا، موت واقع ہو جائے گی. تو کیا اس کا انداز ہوگا، کیا اس کے دل میں درد ہوگا اپنے بیٹے کو روکنے کے لیے؟ تو یہ ہے ثم انی اعلنت لہم، کہ میں نے انہیں بلند آواز سے چیخ چیخ کر بلایا. یہ شرک بڑی خطرناک چیز ہے، کفر بڑی خطرناک چیز ہے، اور نبی کی نافرمانی بڑی خطرناک چیز ہے. اور واقعی یہ دعوت ایسی ہے جس میں بلند آواز کرنی چاہیے، تاکہ سننے والوں کو جو مسئلہ اور قضیہ ہے اس کی خطورت کا اندازہ ہو جائے. وہ اسررت لہم اسرارا، تیسرا اسلوب یہ دعوت اسرار کے ساتھ، چپکے چپکے، ان ایک ایک گھر جا کر انہیں دعوت دی، رازدارانہ بات کر کے دعوت دی. جب ایک بندے کو قریب کر لیا جائے، اس کے کان میں بات کی جائے اور وہ سمجھ دے کوئی راز کی بات ہو رہی ہے، تو یقیناً وہ توجہ دے گا، اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائے گا، وہ کرے گا. تو نوح علیہ السلام نے یہ اسلوب بھی اختیار کیا، رازدارانہ باتیں کی لوگوں کے کانوں میں جا کر، ایک ایک گھر میں، تاکہ اس بات کی اہمیت کا ان کو اندازہ ہو سکے. تو یہ تین اسلوب نوح علیہ السلام کی دعوت کے. اب یہ دعوت جو نوح علیہ السلام نے پیش کی، یہ دو چار دن پیش نہیں کی، یا دو چار سال پیش نہیں کی، بلکہ 950 سال. لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، یعنی 50 کم 1000، 950 سال ٹوٹل عمر ان کی، 1000 سال تھی، اور 50 سال کی عمر میں نبوت ملی. ایک قول 40 سال کا بھی ہے. تو اس طرح 950 سال ان کی دعوت کی زندگی. اور یہ نہیں کہ انہوں نے دعوت دینے کے لیے کوئی مہینے میں یا سال میں ایک وقت مقرر کیا ہو، یا ہفتے دو ہفتے بعد ایک پریس کانفرنس کر دی ہو. نہیں، یہ ان کی دعوت کا اسلوب آپ نے سن لیا کہ کس طرح قوم کو دعوت دی، لیل و نہارا دی، رات دن دی، جہارن دی، اعلانن دی، اسرارن دی، ایک ایک گھر جا کر دعوت دی. اور مسلسل یہ دعوت آپ دیتے رہے کسی انقطاع کے بغیر. اور دعوت کیا تھی؟
कुछ अनासर पीछे गुजरे हैं इताअत की, इबादत की, तक्वा की, और एक बात और की, फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम, बस मैंने कहा उनसे इस्तग़फ़िरू, इस्तग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब करो, रब्बकुम अपने रब से, अपने गुनाह बख्शवा लो। इन्हें गुनाह बख्शवाने की सूरत क्या है? इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल करोगे पिछले गुनाह साफ, और इस्लाम कबूल करने के बाद अगर गुनाह हो गए तो तौबा का रास्ता मौजूद है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। तो ये सहल तरीका है गुनाह बख्शवाने का। फ़कुल तस्तग़फ़िरू रब्बकुम, बस मैंने कहा उनसे इस्तग़फ़ार करो, बख्शिश तलब करो अपने रब से। अल्लाह ताला की ये दीन की समाहतें और बरकतें और वसअतें हैं कि उसने इस्तग़फ़ार जैसा तोहफा अपने बंदों को अता फरमाया। एक दरवाज़ा बनाया, उसका नाम बाबु तौबा रख दिया। इतना बड़ा दरवाज़ा है वो कि सूरज उस दरवाजे से तुलू होता है, गुरूब होता है उस दरवाजे, और क़्यामत के दिन तुलू होगा उस दरवाजे से। इतना वसी दरवाज़ा वो बनाया, उसे खुला रखा और अपने बंदों को हुक्म दिया कि तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। ये दरवाज़ा मौजूद है, खुला हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ सच्ची और खालिस तौबा कर लो। उसे अपने बंदों से जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो बंदों का तौबा करना है। वल्लाहु अफ़रहु बितौबति अब्दिही, अल्लाह ताला बहुत खुश होता है अपने बंदे की तौबा से। तो गुनाहों के बख्शिश का मामला बड़ा आसान है। दो सूरतें हैं, अभी तुम हालत कुफर में हो तो इस्लाम में आ जाओ, इस्लाम में दाखिल होते ही तुम्हारे गुनाह साफ हो जाएंगे, और इस्लाम में दाखिल होने के बाद जो बाकी ज़िंदगी है वो 10 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, उसमें अगर गुनाह हो जाए तो तौबा और इस्तग़फ़ार का रास्ता मौजूद है। और ये दीन की बड़ी वसअत और बरकत है, तो तुम इस्तग़फ़ार कर लो। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने इस्तग़फ़ार के फ़ायदे बयान किए। पहला फ़ायदा, इन्नहु कान गफ़ारा, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। माना गुनाहों की बख्शिश का फ़ायदा, अगर तौबा करोगे, इस्तग़फ़ार का मनहज अपनाओगे तो अल्लाह ताला को गफ़ार पाओगे। गफ़ार मुबालगे का सीगा, जिसमें एक शिद्दत और कसरत होती है कि अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत ही माफ़ करने वाला है। बल्कि गफ़ार का मादा गफ़र, गैन फ़ारा, इसमें छुपाने का माना है। इसी से मिग़फ़र का लफ्ज़ आजकल, यानी वो खौद जो मुजाहिद अपने सर पे पहनता है मैदान जिहाद में, ताकि सर उसका और चेहरा उसका महफूज रहे, और आजकल जो मोटरसाइकिल चलाने वाले पहनते हैं अपने सरों पर खौद, क्या कहते हैं उसे, जी हेलमेट, तो वो भी क्योंकि सर को छुपा देता है, इसलिए जो मिग़फ़र का माना वो है छुपाना। इन्नहु काना गफ़ारा, बेशक वो गुनाहों को खूब छुपाने वाला है, खूब छुपाने वाला। ये एक फ़ायदा, इस्तग़फ़ार करोगे गुनाह छुप जाएंगे, माफ़ हो जाएंगे। और युरसिल समाअ अलैकुम मिदरारा, दूसरा फ़ायदा ये कि वो भेजेगा आसमान, अलैकुम तुम पर, यहाँ आसमान से मुराद बारिश, मतर या अमतार, आसमान नहीं उतरता, आसमान से बारिश उतरती। युरसिल समाअ अलैकुम, वो भेजेगा आसमान को यानी बारिश को, अलैकुम तुम पर, मिदरारन, बहुत ज़्यादा बरसने वाली। ये मिदरार दर्रुन से यानी ज़ा गैसिन कसीर, बहुत ज़्यादा बरसने वाली। तुम पर अल्लाह ताला आसमान को भेजेगा, और मिदरारन बहुत बरसने वाला, खूब बरसने वाला। यहाँ एक तरकीबी इश्काल हो सकता है
ये मिदरार हाल है और असमा जुल हाल है। असमा मुअन्नस है और मिदरार मुजक्कर है, क्योंकि इसमें तानीस की अलामत कोई नहीं। ये तलबा के फायदे के लिए, ये मिदरार मिफाल का वजन है और मिफाल मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए मुस्तमल। मिफाल का वजन, इसमें मुजक्कर मुअन्नस दोनों बराबर है, तो इसलिए ये लुगवी या तरकीबी इश्काल जाहिर हो गया, कोई इसकी हैसियत नहीं है। ये फायदे हैं इस्तिगफार के कि तुम्हें खूब बारिश मिलेगी और बारिश पर तुम्हारी मईशत का इन्हिसार है। बारिश अगर ना हो तो कौमों में कहत की शक्ल बन जाती। हमारे पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं, सहराई इलाके, जहां दारोमदार लोगों की इक्तसादियात का बारिश पर, बारिश हो तो उन्हें अनाज हासिल हो जाता है, और जिस साल बारिश ना हो बदतरीन वहां कहत, इफलास और भूख फैल जाती है। ये नेमत अजीमा है। जब दज्जाल आएगा उससे कबल अल्लाह ताला बारिश रोक देगा। दज्जाल के फितने की खुदूरत के असबाब ये हैं, 3 साल उसकी, उसके खुरूज से कबल, उसके जहूर से कबल 3 साल उसमें बारिश कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। पहले साल में आधी बारिश नहीं होगी, नतीजतन आधी ज़मीन की मईशत ख़त्म हो जाएगी। दूसरे साल में 2/3 बारिश नहीं होगी और 2/3 मईशत ख़त्म हो जाएगी, और 3रे साल में 1 कतरा बारिश का नहीं गिरेगा और दुनिया की मईशत मफलूज हो जाएगी। एक फ़क्र का आलम होगा, यानी दज्जाल का जहूर होगा लोगों के भूख इफलास और फाके पर, और इस आलम में वो आएगा रोटियों के पहाड़ देकर और इशारों से बारिश बरसाएगा, अनाज पैदा करेगा, और ये चीज़ लोगों के लिए फितना और इम्तिहान का बायस होगी। और लोग देखेंगे ये तो बड़ा ही, बहुत बड़ा मुश्किल कुशा है, बहुत बड़ा पहुंचा हुआ, इशारों से बारिशें बरसाते, तो फिर लोग धड़ धड़ उसके असीर होंगे, उसके हलके में शामिल होंगे। और क्यों ना हो, जो लोग आज नंगे धड़ंगे जो हैं वो लोगों को बली मान लेते हैं, गलाजत के ढेर में बैठे हुए लोग उन्हें बली मान लेते हैं, कोई कुत्तों की सरकार, कोई बिल्लियों की सरकार, कोई कव्वों की सरकार, और उन्हें अपना एक मुश्किल कुशा और हाजत रवा और बली मान लेते हैं। तो दज्जाल तो चलता फिरता एक असबाब मुहैया करेगा, इशारों से बारिशें बरसाएगा, अनाज पैदा करेगा, रोटी के पहाड़ उसके साथ होंगे, पानी उसके साथ साथ चलेगा, मईशत उसके हाथ में होगी। तो फिर लोग जो इस किस्म के लोगों को बली मान लेते हैं और अपना एक हाजत रवा मान लेते हैं नऊज़ बिल्ला, तो दज्जाल को देखकर तो क्या उनकी कैफियत होगी। इसलिए ये बहुत हौलनाक फितना है। तो बारिश का बरसना अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। युरसिल समा अलैकुम मिदरारा, भेजेगा वो तुम पर आसमान को मिदरारन, खूब बरसने वाला, आसमान से मुराद बारिश। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन, और मदद करेगा तुम्हारी मालों के साथ, अम्वाल की, माल की जमा, युमदिद मदद से बाबे फ़ाल, मदद करेगा तुम्हारी बिअम्वालिन मालों के साथ, वबनीन और बेटों के साथ, वयजअलनकुम जन्नातिन वयजअलनकुम अनहारा, और वो कर देगा तुम्हारे लिए बागात और कर देगा तुम्हारे लिए नहरें, नहरें जारी कर देगा और बागात मुहैया कर देगा, और खूब तुम्हारी मईशत मालामाल होगी, फले फूलेगी और खूब मुस्तहकम होगी। तो ये बेशुमार फायदे इस्तिगफार के, गुनाहों की बख्शिश ही पहला फायदा, लगातार बारिश और माल का हासिल होना, औलाद का हासिल होना, बागात का फला फलना फूलना, और नहरी निज़ाम का बेहतर से बेहतर हो जाना, ये सारे फ़ायदे कसरत इस्तिगफार के रहीने मिन्नत। हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया, आकर शिकायत की
कि शादी हुई औलाद नहीं होती। फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। वो चला गया। एक शख्स और आया और आकर कहा कि मेरे बागात थे, अच्छे फल पैदा होते थे, मगर अचानक फलों में कमी हो गई। फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स और आया, हजरत बारिश नहीं हो रही, क्या करें। फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। एक शख्स और आया और कहा कि जो पानी हमें मुहैया होता था नहरों से, उसमें कमी वाक़ हो गई, नहरें खुश्क हो रही हैं। फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। हर शख्स को उन्होंने एक ही मशवरा दिया। तो उनके पास उनका एक शागिर्द बैठा था, ये रबी बिन सबीह। तो उसने कहा कि आपने सबको एक ही जवाब दिया और सबके सामने उनके जो अमराज हैं, जो उनके जो परेशानियां हैं, उनका एक ही इलाज बताया। वो हमारे मुहद्दिस पंजाब हाफिज अब्दुल्ला बुड्ढी मौलवी रहमतुल्लाह ये किस्सा बयान कर रहे थे। तो अपने मखसूस अंदाज में उन्होंने फरमाया कि रबी ने कहा कि हजरत आपने सबको एक ही जवाब दिया, आपकी दुकान में एक ही बोतल मिलती है क्या, और बोतल नहीं मिलती। तो एक ही जवाब दिया। हसन बसरी ने क्या फरमाया, तुम अल्लाह का ये फरमान पढ़ो, फकुल तस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलु समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह ताला ने इस्तिग़फ़ार ही को इन तमाम उमूर के असबाब के तौर पर जिक्र किया। और यह नूह अलैहिस्सलाम की दावत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली ज़िक़ मख़रजा व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा व रज़क़हू मिन हैथु ला यहतसिब। जो बंदा इस्तिग़फ़ार लाजिम करार दे दे, किसी वक्त को तय कर ले उस वक्त ज़रूर इस्तिग़फ़ार करना है, तो अल्लाह ताला उसको तीन फायदे देगा। हर परेशानी दूर कर देगा, और जो भी उसके मिशन के रास्ते में कोई बंदिश होगी, रुकावट होगी, अल्लाह उसको ज़ाहिर कर देगा और उसको ऐसे मकाम से रोज़ी देगा जहाँ उसका वहम गुमान भी ना हो। मालकुम ला तरजून लिल्लाह वक़ार। नूह अलैहिस्सलाम की दावत जारी है, क्या है तुम्हें, ला तरजून लिल्लाह वक़ार, तुम नहीं रखते उम्मीद अल्लाह ताला के लिए वक़ार की। ये वक़ार तौक़ीर से, तौक़ीर का माना तज़ीम, इजलाल। बाद उलमा ने कहा कि तर्जुन बमाना तखाफून, अल्लाह ताला की तौक़ीर के ताल्लुक से तुम्हारे अंदर खौफ और डर क्यों नहीं है, इतनी दीदा दिलेरी क्यों है, उसके दीन और तौहीद से इन्हराफ क्यों है, तुम्हें अल्लाह की तादीम के ताल्लुक से कोई अल्लाह का खौफ नहीं। तो ला तर्जुन ए ला तखाफून लिल्लाह वक़ार, कि तुम अल्लाह ताला के लिए तौकीर के ताल्लुक से डरते नहीं हो, कोई खौफ तुम्हारे अंदर नहीं है। और कुछ उलमा ने माने के ला तबालून, कि तुम्हें अल्लाह ताला के वक़ार की कोई परवाह नहीं। तो तीनों माने एक दूसरे के मुआफिक ही हैं। अल्लाह ताला के वक़ार की कोई तुम्हें तवक्को और उम्मीद नहीं, अल्लाह ताला के वक़ार का कोई तुम्हारे अंदर खौफ नहीं, अल्लाह ताला के वक़ार और उसकी तादीम की कोई तुम्हें परवाह नहीं, कि इस तरह तुम जुर्रत और दिलेरी के साथ हक का इनकार कर रहे हो और नबी की दावत से भाग रहे हो। वक़द ख़लक़कुम अतवारा, हालांकि हालत ये है तहकीक, ख़लक़कुम पैदा किया उसने तुमको, ख़लक़ा पैदा किया उसने कुम तुमको, अतवारा मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ अतवार में। ये अतवार तौर की जमा है और तौर का माना हालत या कैफियत या हैत, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें मुख्तलिफ हैतों में, मुख्तलिफ अतवार में और मुख्तलिफ अहवाल में पैदा किया। एक इंसान उसकी जो इब्तिदा और नुतफे से हुई, फिर खून का गोफड़ा हो गया,
फिर गोश्त की बोटी हो गई, फिर हड्डियां और गोश्त मजीद चढ़ते गए और नई खिलकत में वो एक इंसान बच्चा बना और फिर वो नई दुनिया में बरामद हुआ। तो ये अतवार हैं एक इंसान की तखलीक के, और सारे अतवार की निगरानी अल्लाह ताला करता है। माँ के पेट में क्या हो रहा है बाहर किसी को इल्म नहीं है, अल्लाह ताला अंदर ही अंदर इन तमाम अतवार की निगरानी करता है। तो वो इन तमाम अतवार का खालिक है और तुम्हें उसकी ताजीम की ना कोई तवक्को है, ना कोई परवाह है और ना कोई खौफ है। बाद उलमा कहते हैं कि अतवार जो है ये इंसान की जिंदगी के मराहिल का नाम है, यानी सिबियानन व शुबानन व शुयूखा, कि पहले इंसान बच्चा होता है, फिर वो नौजवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर बुढ़ापे के कई स्टेजें हैं। ये भी अतवार अल्लाह ताला ने ये सब बनाई हैं। और कुछ कहते हैं कि इससे मुराद बंदे के जो अफ़ाल आमाल अखलाक और उनकी सोच का अंदाज अशकाल अशकाल अकवाल अखलाक आमाल, ये सब चीज़ें मुराद हो सकती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से ये सब कुछ अता होता है। अलम तरो कैफ खलकल्लाहु सब्अ समावातिन तिबाका, क्या नहीं देखा तुमने कैफ खलकल्लाह कैसे पैदा किया अल्लाह ने सब्अ समावातिन सात आसमानों को, तिबाकन ऊपर तले, एक आसमान फिर दूसरा फिर तीसरा, इन हर ऊपर का आसमान नीचे के आसमान पर मुतबक है तबक की सूरत में। तो तिबाकन मफूल, मफूल के बिना पर मंसूब है और ये मसदर है और मसदर का मंसूब होना महजूफ या मजकूर आमिल के बिना पर होता है या आमिल महजूफ है। इसी तिबाकन से निकालो ताबका तिबाकन, ताबका युताबिकु मुताबकतन व तिबाकन, तो ताबका फेल महजूफ मानकर उससे तिबाकन को मंसूब बनाओ, मंसूब अल मसदरिया। और या फिर ये हाल इन सब्अ समावातिन से कि अल्लाह ताला ने सात आसमान पैदा किए इस हाल में कि वो तिबाक है एक दूसरे के ऊपर कायम है एक तबक की तरह मुतबक होकर। तो ये नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की जो कुदरत कामिला उसके लिए दो दलीलें दी। पहली दलील तुम्हारे अपने अनफुस तुम्हारे नफूस कि तुम देखो अल्लाह ने तुम्हें किस तरह अतवार में पैदा किए, तो ये फी अनफुसेकुम है। और दूसरी फिल आफाक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत निशानियां दिखाता है इंसान के अंदर भी और कायनात में आफाक में और दुनिया के इन गोशों में। तो पहली जो दलील है वो तुम्हारे अंदर मौजूद है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी तख्लीक के सारे मराहिल की निगरानी की और तुम्हें एक खिलकत देकर दुनिया में लाया और ये निशानी तुम्हारे अंदर मौजूद है। दूसरी दलील बाहर झांको चुनांचे ये सात आसमान देखो बगैर सहारे के खड़े हैं अल्लाह ताला के अमर से, अल्लाह ने कायम किया हुआ इन्हें। तो किस तरह ये सात आसमान मुतबक एक दूसरे पर कायम है और बगैर सुतून के। फिर और देखो वजअल क़मर फीहिन्न नूरा, और अल्लाह ने बना दिया कर दिया चांद को फीहिन्न इन आसमानों में नूरन नूर, वजअल शम्स सिराजा और कर दिया सूरज को सिराज चराग। इन सात आसमान बनाए और इन आसमानों में चांद बनाया बतौर नूर के और सूरज बनाया बतौर सिराज के बतौर चिराग के। तो सूरज की जिया को सिराज कहा है और चांद की रोशनी को नूर कहा है। फी हिन्ना जमा का सिग है, जमा की जमीर है, हालांकि चांद तो आसमान दुनिया पर है तो सारे आसमानों में। तो हमने पिछले कहीं दर्श में बताया था कि ये आसमान सारे शफाफ हैं, आसमान पर्दा नहीं है कि एक आसमान के वरे दूसरा छुपा हुआ है, बल्कि इस तरह शफाफ है कि एक आसमान के करीब जाकर देखें तो दूसरा भी नजर आ जाएगा,
दूसरे के करीब जाकर देखें तो तीसरा भी नजर आ जाएगा। तो गोया ये चांद जो आसमान दुनिया पर है, ये हर आसमान से दिखाई दे सकता है। इसलिए चांद को सारे आसमानों में पैदा करने की बात की, वजअल कमर फीहिन्न नूरा, और अल्लाह ने कर दिया चांद को फीहिन्न इन आसमानों में बतौर नूर के, वजअल शम्स सिराजा, और शम्स को सिराज बना दिया, शम्स को सिराज बना दिया। यहां एक नुक्ते की बात हो सकती है, चांद और सूरज का आपस का ताल्लुक, चांद में भी रोशनी है और सूरज तो है सिराज, बड़ी रोशनी वाला, बड़े नूर वाला, और पूरी दुनिया को ये मुनव्वर कर देता है, रात छट जाती है, अंधेरे जो है वो गायब हो जाते हैं। और ये बात मुसल्लम है कि चांद की रोशनी सूरज से मुस्तफाद है, चांद अपनी रोशनी सूरज से लेता है। इसीलिए अगर चांद और सूरज के दरमियान जमीन हायल हो जाए तो चांद गिरने लग जाता है, क्योंकि जमीन हायल होकर उसने सूरज के नूर को, सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोक दिया, तो सूरज गिरन हो जाता है, जिसका माना चांद का नूर सूरज से मुस्तफाद। यह ताल्लुक हमें अहादीस में मिलता है, और वो इस तरह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के उलमा को चौधरी का चांद करार दिया। अहदीस मौजूद है, वाज़े उम्मत के उलमा जो हैं उन्हें चौधरी का चांद करार दिए। फजलुल आलिम अल आबिद का फजलुल कमर लैलतुल बद्र अला सायरिल कवाकिब, एक आलिम की फौकियत एक आबिद पर कितनी है जैसे चौधरी के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। इन्हें अगर चौधरी का चांद चमक रहा हो, इर्द गिर्द सितारे भी मौजूद हो, तो ये फर्क है एक आलिम और आबिद का। इन आलिम समझो चौधरी का चांद है, और जो आबिद हैं वो सितारे हैं जो इर्द गिर्द चमक रहे हैं। तो सारे उबाद के बीच में एक आलिम की शान ये है कि वो चौधरी के चांद की तरह जो है वो जलवा फरोज है तमाम इबादत गुजारों के बीच में। एक शख्स आलिम है और बाकी लोग दिन को रोजे रखते हैं, रातों को क़याम करते हैं, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो इनकी क्या नस्बत है एक आलिम के मुकाबले में, जो नस्बत सितारों की चांद से है, और चांद भी चौधरी का, और चांद अपना नूर सूरज से लेता है। और कुरान ने नबी अलैहिस्सलाम को सिराज कहा है, इन्ना अरसलना का शाहिद वो बशरम व नदीरा व दायन इल्लाह भी इज़्ने ही व सिराजम मुनीरा, हमारा रसूल सिराज है, सिराज। तो उम्मत के उलमा चांद है और नबी सिराज है, तो नबी और उलमा का वो ताल्लुक है जो चांद का सूरज का आपस में ताल्लुक है, कि चांद अपना नूर सूरज से लेता है। तो एक आलम रब्बानी, आलम रब्बानी तभी करार पाएगा जब उसका सारा इल्म माखूज हो, मुस्तफाद हो सिराज से, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अगर एक आलिम हो, अपनी बातें करे, अपनी राय की, अपनी अकल की, तो वो आलिम कहलाने के मुस्तहिक नहीं है। आलिम वही है जिसका ताल्लुक सिराज मुनीर से हो, कि जैसे चांद अपना नूर सिराज से लेता है, इस तरह एक आलम दीन अपना नूर अपना इल्म अल्लाह के प्यारे पैगंबर से ले। अल्लाह का प्यारा पैगंबर माइंदिल हवा इन हुआ इल्ला वही यू है, उनका सारा नूर सारा इल्म अल्लाह ताला की वही से है। तो एक आलम उसका सारा इल्म इस सिराज मुनीर से है, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। वल्लाहु अंबतकुम मिन अर्ज़िन नबाता, और अल्लाह ने पैदा किया तुम्हें, नबात असल में उगाना। वल्लाहु अंबतकुम, उसने उगाया तुम मिन अर्ज जमीन से, नबातन उगाना, यानी तुम्हारी खिलकत जमीन से मट्टी से हुई है। या तो मुराद आदम अलैहिस्सलाम, खलकहु मिन तुराब, उसको अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया, तो मुराद आदम अलैहिस्सलाम, और या फिर मुराद
सारी दुनिया सारे लोग, उनकी खिलकत मट्टी से इस माना में हुई कि अनाज और ये फल और ये गंदम और जौ और जो कुछ है राशन, ये मट्टी से निकलता है। एक ज़राअत के निज़ाम से, बागात का निज़ाम, खेती बाड़ी का निज़ाम मट्टी से निकलता है, और इंसान मट्टी से पैदा होने वाली नेमतें खाता है और उसके अंदर वो कुव्वत आती है, जिस कुव्वत से वो निकाह करता है, नुतफा पैदा होता है। तो गोया हर इंसान की तख्लीक मट्टी से हो गई कि मट्टी से पैदा होने वाली नेमतें रिज़्क इंसान इस्तेमाल करता है और उसके अंदर वो कुव्वत बहाल होती है, जिस कुव्वत के नतीजे में आगे तवालुद का सिलसिला चलता है। तो वल्लाहु अंबतकुम मिन अर्ज़ नबाता, और अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से उगाया, उगाना यानी पैदा किया। थुम्म युईदुकुम फीहा, फिर लौटाएगा तुम्हें इसी में, युख्रिजुकुम इख्राजा, और निकालेगा तुम्हें इसी से। तो लौटाने का माना मौत की सूरत में, यानी मट्टी से पैदा हुए और जब मरोगे मट्टी में लौट जाओगे, और जब क़यामत कायम होगी तो अल्लाह ताला तुम्हें मट्टी ही से निकालेगा। वल्लाहु जअला लकुम अल-अर्ध बिसातन, और अल्लाह ने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को, बिसातन यानी वसी बिछौना, एक वसी जैसे बिछौना जिस पर आसानी से चला जा सके, चलने में दिक्कत ना हो, यानी वो ज़मीन साकिन साकिन है और वसी है। अगर मुतहर्रिक होगी चलना मुमकिन नहीं होगा, और अगर वसत नहीं होगी रास्ते नहीं बनेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बना दिया, लितसलुकु मिन्हा सुबुलन फिजाजा, ताकि तुम चलो इस ज़मीन से सुबुलन रास्तों में, फिजाजा कुशादा रास्ते, वसी रास्ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को ऐसा बिछौना बना दिया कि तुम इस ज़मीन पर रास्ते बना सको, उन रास्तों पर चल सको। और रास्तों की फिर कई किस्में, कुछ रास्ते ऐसे जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ पर आपकी सवारियाँ चलती हैं, कुछ पर आप खुद चलते हैं, और कुछ रास्ते बाहरी होते हैं, बर्री रास्ते, बाहरी रास्ते। अल्लाह ने इस वसी ज़मीन पर इसको कुशादा बना दिया ताकि आप अपने रास्ते बना सकें, उन रास्तों पर चल सकें और अपनी मंजिल तक पहुँच सकें, और फिर इन रास्तों पर चल कर जो असबाब रिज़्क हैं उन्हें सही तरीके से तलाश कर सकें और सही तरीके से हासिल कर सकें। तो ये सारी नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के सामने दावत, अल्लाह ताला के एहसानात का जिक्र, ताकि ये कौम इन एहसानात को याद करके अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो और अल्लाह की तौहीद को कबूल कर ले, और कुफर से बाद आ जाए, शिर्क से बाद आ जाए, सच्ची तौबा कर ले और मनहज तक़वा इख्तियार कर ले और इस्तिग़फ़ार अपने लिए लाजिम करार दे ले। ये सारी दावत पेश की, मगर नतीजा ये कि कौम ने मानने से इनकार कर दिया। इतनी वाज़ेह दावत, इतनी मुदल्लल दावत, और इस कदर नफीस दावत कौम के सामने आई और कौम ने इसको फरामोश कर दिया, इस दावत से भागे और तजब्बुर और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया, जिसके नतीजे में आगे अज़ाबे इलाही का जिक्र है। माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौम नूह के साथ रहमत और एहसान का मामला फरमा दिया, और ये उसका मामला हर कौम के साथ है। वो इकामत हुज्जत करता है और किसी भी कौम के साथ अजाब के मामले से आगाज नहीं करता। वमा कुन्ना मुअज्जिबीन हत्ता नबअथ रसूला, हम अजाब नहीं देते जब तक रसूल ना भेज दें। तो ये उसका एक आगाज है हर कौम के साथ, हर बंदे के साथ। और अगर इस रहमत के मामले को वो कौमें कबूल ना करें तो फिर वो खुद ही अजाब के मामले को दावत देती हैं और अल्लाह उनको अजाब देता है। मगर अल्लाह ताला ने किसी को इब्तदान अजाब नहीं दिया, रहमती सबकत गज़बी, अल्लाह ताला ने ये लिखा हुआ है लोहे महफूज में कि मेरी रहमत मेरे गज़ब से पहले है, मेरी रहमत मेरे गुस्से से पहले है। खुद मोहम्मद रसूल रसूल की बेशत का जब वक्त आया तो कौम पूरी तरह अंबिया की दावत को ठुकरा चुकी थी और बगावत के रास्ते पर चल चुकी थी। उंगलियों पर गिने चुने कुछ लोग बाकी थे जिनके अंदर तौरात और इंजील की तालीम कुछ बकाया असरात थे, बाकी पूरी दुनिया
سرکشی اور کفر اور طغیانی کے راستے کو اختیار کر چکی تھی. صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ان اللہ نظر الى اهل الارض فمقته عربهم وعجمهم, اللہ تعالی نے زمین کی طرف دیکھا, زمین والوں کی طرف دیکھا, جتنے لوگ موجود تھے سب نے اللہ کو ناراض کر دیا, ناخوش کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی کے عقیدے کو دیکھ کر خوش نہ ہوا. ہاں کچھ باقی لوگ تھے اہل کتاب سے, ان کے پاس کوئی صحیح دین موجود تھا, باقی پوری دنیا کفر اور شرک پر قائم ہو چکی تھی. یعنی اللہ کے عذاب کی حجت تو قائم ہو چکی تھی, مگر اللہ رب العزت نے پھر بھی اپنے بندوں کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمایا اور نبی بھیج دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمل میں آ گئی, انہیں مبعوث فرما دیا اور قوم کو عذاب نہیں دیا, نبی دے دیا, رحمت للعالمین دے دیا اور رحمت کا معاملہ کر دیا. اب رحمت کا معاملہ ہو چکا, اب قوم اس کو قبول کر لے تو خوشحالی ہے, رحمت ہے, کامیابی ہے, اللہ کی رضا ہے, محبت ہے, جنت ہے. اور قوم اگر قبول نہ کرے تو واقعی وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. جب اللہ نے نبی کو بھیج دیا, رحمت کا معاملہ فرما دیا, تو قوم نے نبی کے مقابلے میں اپنے باپ دادا کو رکھ دیا کہ ہم ان کے نقش قدم کے پیروکار ہیں, اور اس سے قبل بھی ہم اپنے باپ دادا کی اتباع کرتے تھے. یہ صدیوں سے ہمارا رواج چلا آ رہا ہے, ابا اجداد کی پیروی. تو نبی کی دعوت کے مقابلے میں انہوں نے باپ دادا کی بات کر ڈالی کہ نبی کی بعثت سے قبل بھی باپ دادا تھے اور نبی کی بعثت کے بعد بھی باپ دادا. تو اللہ کے عذاب کو انہوں نے خود ہی دعوت دے دی. اور آج بھی یہی بات ہر جگہ ہو رہی, برادری, قوم, ابا اجداد. حالانکہ کفار قریش نے باپ دادا کی بات کی کب؟ جب نبی کی دعوت نہیں تھی. اور آج تو نبی کی دعوت موجود ہے, نصف النہار کے سورج کی طرح یہ دین روشن ہے, قرآن بھی موجود ہے, احادیث بھی موجود ہے. تو آج کیا جواز ہے اس دعوت کے مقابلے میں ابا اجداد کی بات کرنا؟ یقیناً یہ قوم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بننا چاہتی ہے, استحقاق حاصل کر چکی ہے, مگر رب کائنات کی حکمتیں اور اس کی مشیتیں وہی جانتا ہے. اپنے حبیب سے نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی امت پر اجتماعی عذاب نہیں دوں گا, لیکن انفرادی عذاب آ رہے ہیں. اور آج کرونا وائرس کی شکل میں ایک عذاب ہم پر ٹوٹ پڑا ہے, مسلط ہے, اور ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے. یہ پوری دنیا نے مل کر ایسا عقیدہ اپنا لیا ہے اور توحید سے بغاوت اختیار کر لی ہے کہ رب تعالیٰ کو ناراض کر دیا, اور اس کی ناراضگی کی یہ مظاہر اور آثار ہمیں دکھائی دے رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں. جب تک حقیقی توحید کی طرف پلٹیں گے نہیں اور سچا استغفار نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ وبائیں ٹلنے والی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس قوم کو توبہ و نصوح کی توفیق دے اور شرک سے بیزاری اختیار کر کے سچی توحید کی طرف پلٹنے کی توفیق دے. جو بدعت کا راستہ, خرافات کا راستہ, اس کا گلا گھونٹ کر, اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اسی دین خالص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. بصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين.